भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों देश सहयोगी भी हैं और प्रतिस्पर्धी भी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से इस बारे में जब सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत चीन का मुकाबला करने लायक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। राहुल ने कहा कि चीन OBOR परियोजना के जरिए अपना रास्ता बना रहा है और उसके आसपास खास दूरदृष्टि है, जबकि भारत की दूरदृष्टि को लेकर उन्होंने सवाल किया। क्या भारत के पास भी ऐसी ही दूरदृष्टि है? वो दूरदृष्टि कैसी है? हमारे और उनके बीच कितना सहयोग होने जा रहा है? ये कुछ मूल सवाल हैं। लेकिन जिस बात का पता होना चाहिए वो है कि चीन असीम शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें इसके साथ काम करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत और चीन के प्रदर्शन से ये निर्धारित होगा कि दुनिया आधारभूत रूप से किस तरह नया रूप लेगी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दो बड़े देश हैं, जो खेती करने वाले देशों से आधुनिक शहरी मॉडल देश बन रहे हैं और ये दोनों विश्व जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। राहुल ने कहा कि भारत और चीन दुनिया को नया आकार देने जा रहे हैं। चीन में लोकतंत्र न होने को लेकर राहुल गांधी ने कहा उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीन लोकतांत्रिक है या नहीं। राहुल ने कहा कि चीन ने अपना रास्ता चुना है और भारत ने अपना। NMF न्यूज की रिपोर्ट।